ठोस विजेता राणा सांगा टाइम लाइनर ओके फर्स्ट रेड पहली रेड ककड़ोला घाटी वर्सेस राणा सांगा बचा बचा बिल्कुल आगे मैं दो जो संता लगा रहे सटोरिया वो देख लें अपने अपने टीम का चूज करें बेटा इधर जो बहुत बड़ा मैच है तो बहुत बड़ा मैच है भैया ध्यान रखना बिल्कुल ध्यान रखना आप पीछे लग जाओ ये इधर शायद नीचे से निकलते हैं तो। और ये बिलवाड़ा पहली रेड 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 ये देखो ओ देखो तीन नंबर बस नंबर अरे हको करो ना हको एक अंक का गणेश जी बनाते हुए बूनी बट्टा बिलवाड़ा ने किया साहब मैं क्या ये देखे साहब हमारे भैया उत्तर पत्र लाल कबूतर कर रहा है बार देख जो ये देखो है वन पॉइंट का करोला गाठी अभी बिलवाड़ा के मेन रेडर मुरली भैया रेड देने नहीं गए दोनों टीमों का कंटिन्यू रेड देते हैं तीन नंबर नहीं अब आएगा मुरली आएगा तो कुछ ना कुछ करके जाएगा ये देखिए ओ हो चक्रव्यूह में फंसता हुआ खिलाड़ी ओके आराम से क्या बात है आपका जोश और जुनूनी खिलाड़ियों को हिम्मत हौसला देता है ये क्या बात है बहुत ही शानदार सब ऑल नियम इज लागू इन दिस मैच मुरली भैया जोरदार रेडर एक बार जोरदार ताली बजाई खिलाड़ी के लिए ये मुरली भैया है बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाते हैं ये देखिए आपके खेल का नजारा मुरली भैया हाँ ये त्रिलोक भैया ये देखो ये लगा मैंने कह दिया ना ये अंक प्राप्त किए साहब दो मैंने पहले बोल दिया था मुरली भैया बहुत अच्छी मुरली बजाते हैं और कंटिन्यू रेड देगा ये बंदा अंबालाल जी क्या नाम है अंबालाल जी लक्ष्मण जी लक्ष्मण भैया ये ककरेला घाटी के मेन रेडर ये लक्ष्मण और आगे देखो लक्ष्मण भैया और मुरली भैया दोनों एक टीम से खेलते लेकिन आज अलग अलग टीम से शायद है ना एक टीम से खेलते दोनों कोटरी तो एक ही टीम में थे अब ये देखिए हमारे पारोली के दर्शक हमारे त्रिलोक जी प्रजापत पुलिस स्टेडियम पुल कचाकच त्रिलोक जी प्रजापत मैच के गुर सीखते हुए अगले साल वापस आएंगे टीम लेके ये साल तो मिटकी पाए लगाएंगे और ये देखिए साहब मुरली भैया रेड के लिए जाते हुए पहले भी इन्होंने दो अंक अर्जित किए थे ये कावड़ा फ्लाई करते कावड़ा फ्लाई ये देखिए बहुत ही सुंदर इनका जो एक्शन है वो एकदम रिप्ले के अंदर देखो आप बहुत ही अच्छा सुंदर एक्शन इनका ये देखिए साहब हो गया काम पीछे बहुत ध्यान रखता मुरली भैया मेरे को बताए जोरदार लाइन आउट हो गए साहब एक अंक अर्जित किया ये देखो फोकट में रंग ले लिया ये देखो है और डू एंड डायरेड साहब ककड़ोला घाटी की तरफ से बहुत ही सुंदर ये देखो ये अगर था हको केरो और अभिषेक भैया आउट हो चुके हैं हमारे भैया मेरे को कंटिन्यू रेड देंगे मुरली मेरे को पता है मैं कह रहा था आपको कह रहा तो गुणो मुझे आए ये देखो ये पग उठ गया देखो मुरली का पग उठ गया मुरली का पग ये देखो मेरे हिसाब से सब आप खाना खा के आए हैं आज तो उसको पचाएं हाँ का बराबर करें हाँ का हो करो नहीं खाए हो तो फुलिया खाओ पेमेंट हमारे यहाँ से ले सकते हैं हमारे भैया बैठे हुए हैं प्यास में एंट्री फीस से निकाल देंगे 10 रुपए और ये देखिए साहब बहुत ही सुंदर मैच का नजारा ये देखो अंक सहित मेरे हिसाब से अजीत कर लिया है और मुरली भैया अपने अपने ही धुन अपने ही बांसुरी की धुन में रेड के लिए जाते हुए बिल्कुल बको ध्यानम कागज चेष्टा ये सब गुण इनके अंदर है साहब कागज चेष्टा बको ध्यानम अच्छा अरे मुरली को तो मैं कह रहा हूँ ना मुरली को तो मारना नामुमकिन है दो अंक अर्जित किए मुरली को मारना नामुमकिन है मैंने पहले बोला कमेंट मुरली कंटिन्यू रेड देगा
और इधर ये लक्ष्मण जी, ये दोनों कंटिन्यू रेड देंगे आज। एम्पायर के डिसीजन में कोई उंगली ना उठाए। और ये ककरोले के ओर से 10 नंबर रेड देते हुए, ओहो अभिषेक जी क्या हुआ, आउट आया नहीं है अभिषेक जी। अभिषेक जी के सितारे शायद आज टाइम आउट है। बिलवाड़ा फर्स्ट टाइम आउट लाइनर। ओके चालू करो गेम। चलो हो गया और देखिए साहब एक अंक का फासला है। अभी राणा सांगा ने अपने एक अंक की बढ़त बनाए हुए हैं। देखते हैं अभी खेल के अंदर कुछ भी हो सकता है। ओहो ये देखिए बहुत ही सुंदर चहल कदमी, बहुत ही अच्छा जो नए नए खिलाड़ी हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, मजा आएगा। आपके जोश और जुनून को प्रणाम करते हैं, आपके जोश और जुनून को सलाम। बहुत अच्छी बात है, ऐसे आप जिंदा हो तो जिंदा होने के सबूत देते रहे हैं। बिल्कुल केसरिया बना आउट रखा है आपने। ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, दो अंक अर्जित किए हैं और टाइम आउट लिया है। क्या बात है, क्या बात है, अपने रुपया आ गए। क्या नाम इनका? बहुत ही शानदार जानदार इनका खेल का नजारा हर बार देखने को मिलता है। और ग्राउंड के अंदर ये देखो, ये देखो अपना रतन भैया, बहुत ही खूंखार जाबाज खिलाड़ी रतन भैया। गए साल का खेल मुझे अभी भी याद है, इनके थोड़े से ये चोटिल हो गए थे फिर भी खेल खेला था इन्होंने। और ग्राउंड के अंदर ओस की बूंदे टपकती हुई, ग्राउंड में गीलापन नमी। और ये देखिए साहब एक अंक का फासला, अभी ककरोलिया घाटी एक अंक की बढ़त बना रखी है ककरोलिया घाटी ने। कंकरोलिया, कंकरोलिया घाटी। और ये देखिए साहब अपना रतन भैया रेड के लिए जाते हुए, डी एंड डायरेक्ट लेंगे रतन भैया। ओ ये देखिए साहब रतन भैया को देखते हैं दर्शकों में के अंदर बहुत ही उत्साह। और रतन भैया अपने फॉर्म में आने के बाद ये उड़ान भरेंगे, हनुमान जी की तरह उड़ गए भैया, देखना भी रतन भैया के अंदर हनुमान जी की आत्मा प्रवेश करने में है। देखिए अभी उड़ेंगे ये, ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल बिल्कुल रतन, मैंने कहा ना रतन भैया की आत्मा में हनुमान जी प्रवेश कर गए और तीन अंक अर्जित किए। मैंने पहले बोल दिया रतन भैया ने तीन अंक अर्जित किए। गिनो किसी को ये देखिए साहब, हाँ दिख रहा है। बहुत ही शानदार शानदार मैच का नजारा। और ये देखिए साहब मुरली रेड, मुरली की रेड, मुरली की बांध बजाते हुए। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं मुरली जी, सुपर रेड हो सकती है ये, सुपर डुपर आदमी है बिल्कुल मुरली जी। ये देखिए साहब ये दर्शक, दर्शक, दर्शक राय। चश्मा लगाई है ना सर, चश्मा लगाई ना सर, क्या नाम है आपका? ये साहब डुबन डायरेक्ट साहब, ये देखिए भाव आते हुए थोड़ा सा। ये देखो साहब कान क्यों हो रही हो, मन तो क्यों नहीं दिख रहे। चाल मुरली, आराम आराम आराम। और देखते हैं मुरली भैया क्या करते हैं। मुरली भैया बहुत ही शानदार रेडर, मुरली भैया इससे पहले अपने तीन अंक अर्जित किए थे। मगर ककरोलिया घाटी की टीम भी बहुत खुकार है भैया, मैच के अंदर इतनी शांति पसंद नहीं। ओहो ये देखो ये चल उड़ जा रे। और एक अंक और अर्जित किया मुरली भैया ने। कंटिन्यू अपने जाट भाई, जाट बंधु रेड के लिए जाते हुए। अंकों का फासला बढ़ता हुआ राणा सांगा ने चार अंक की बढ़त ले ली भाई साहब। राणा सांगा चाल मुरली, और एक अंक और अर्जित किया शायद। और ये देखिए साहब ककरोलिया घाटी ऑल आउट 3 पॉइंट। एक बाड़ो हो क्यों साहब, एक बाड़ो हो क्यों, एक बाड़ो। टिंग 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 टिंग।
फिर फासला ज्यादा बढ़ता हुआ 15 अंक अर्जित हो गए साहब भिलवाड़ा राणा सांगा के कंक्रोलिया के मात्र 7 अंक। मगर खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ, मुरली जी रेड के लिए जाते हुए, और ये देखिए साहब मुरली जी ने अपने मुरली जी की इतनी बेहतरीन रेड होती है कि कमेंट्री करने की इच्छा नहीं होती, बस देखो इनको, इनकी बेहतरीन कलाओं को देखो, बस ये देखो, ये देखिए सब चक्कर पूरे आना दे, ये देखो ड्रंग ड्रंग रेस लगा हुआ ड्रंग। ओहो भिलवाड़ा ये क्या फुल ले जाए बोर्ड भी चाहिए चलो। और ये देखो साहब बचे थे 20 रुपए बचल 40 बोरा जी आगे ठेठ गोल बड़ी से एक घंटों उठे ये तो ओ ये देखो ये बहुत ही सुंदर। और अब ये देखिए साहब ककरोले घाटी के 2000 रेडर कबड्डी बहुत ही देखिए साहब दूधदार, मेरे को ऐसा लग रहा है इस रेड में कुछ न कुछ निष्कार पॉइंट आई एक बार इस रेड में कुछ न कुछ अलग होगा, अलग होगा देखना भी, बहुत जोश जुनून जज्बा एम सत्य सिंह जी हाड़ा 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 और मुरली जी अपनी बांसुरी बजाते हुए टीम के अंदर 10 अंकों का फासला, भिलवाड़ा राणा सांगा 17 और कंक्रोलिया 7 अंक, 10 अंकों का फासला। ककरोलिया की तरफ से रेड के लिए जाते हुए, और ये देखिए साहब ओ था हाको करो थोड़ा थोड़ा दो, ये देखो ये था का हाको करते ही पॉइंट आगे देखो है हाँ साहब ककरोलिया घाटी की तरफ से, ये देखिए साहब कंटिन्यू रेड के लिए आते हुए भैया देखिए। हाँ किशोर जी कमेंट्री बॉक्स में बताए किशोर जी, ओ कबड्डी देखिए साहब हाफ टाइम की ओर बढ़ता हुआ मैच, और 10 नंबर है लक्की नंबर रेड के लिए देवा, उथल पुथल पूरी टीम में उथल पुथल मचा दी भिलवाड़ा में, बहुत अच्छा देखो अभिषेक जी कारण के मंत्र फटियो जो जानो फटियो याने डू एंड डायरेड के लिए गए भैया, देखते हैं देखे होता है क्या, अगर ऐसे ऐसे चुपचाप देखोगे तो मजा ही नहीं आएगा, ये देखो डिस्क ब्रेक लगाते हुए डिस्क ब्रेक, ओ एक अंक और अर्जित किया, और ये कंकरोलिया घाटी की तरफ से भी डू एंड डायरेक्ट, मेरे हिसाब से अभी मुरली भैया रेड के लिए जाते हुए 7 अंकों का फासला, और ये देखिए साहब पॉइंट चल रहे हैं साहब भिलवाड़ा 17 ककरोलिया 10, बहुत ही आनंद की बांसुरियां बज रही है, और
हाफ टाइम की लास्ट रेड है भैया मुरली जी, हाफ टाइम की लास्ट रेड है, हाफ टाइम की लास्ट रेड थी ये। और राणा सांगा के अंक है 17, कक्करोलिया के है 10, 7 अंकों का फासला। बहुत ही सुंदर खेल का नजारा, रोमांचक मैच। आप लोग छोड़ दीजिए, अगला मैच धनवाड़ा वर्सेस बांगुदार। बांगुदार अपने पड़ोसी दोनों, बहुत ही देखिए साहब, बिल्कुल बहुत ही सुंदर खेल का नजारा। ककरोलिया घाटी की तरफ से रेड के लिए आते हुए भैया, और अभिषेक जी अपने मुरली जी ने खाना रहा है। हाको करो, हाको थोड़ो तो करो यार, त्रिलोक प्रजापत पर थोड़ो हाको करो, भाव आओ ए रखी लो गया। ये देखो साहब, अगर ककरोलिया गाड़ी को कम बैक करना होगा तो आपको अंक अर्जित करने ही पड़ेंगे। अभी भी 7 अंकों का फैसला, 7 अंकों का फासला बहुत ही मेरी नजर में स्टफ टीम के सामने ज्यादा है। अभी से ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये भिलवाड़ा ने लिया है टाइम आउट। फुफाड़ो बाजियो भाई, फिर बच गई फुफाड़ो में बाजियो डू एंड आई। ओहो, लागे जी का 100 का निशान, झूठ मत बोलो। भाई साहब एम्पायर और फुफाड़ो बाज गए साहब, और मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अंक लेके ही जाएंगे। ये देखो, ये 2 है, क्या बात, आगे करता रहो, आगे करता रहो, नींद सी उड़ाता रहो। खत्म मां गोपी नाम है। ओहो, कबड्डी 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 चल चल कबड्डी मुरली चल मुरली चाली तो साली। और ये देखिए साहब, अंकों का फासला कम होता हुआ बहुत ही शानदार जानदार खेल का नजारा। ये मार साहब, आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं, तभी जाके ये अंकों का फासला कम होगा। बिल्कुल साहब, 3-2-5 अंक आप गणकी लंक लग गए। और ये देखो गणकी भी नो कबड्डी कबड्डी। ये देखो, अगर ककरोलिया घाटी को ये अंकों का फासला कम करना है तो आपको अपने रणनीति के साथ खेल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी अंकों का फासला 6, बुलेड़ा के है 18 और ककरोलिया घाटी 12। और एक अंक और अर्जित किया भिलवाड़ा ने, एक अंक और अर्जित किया। और ये देखिए साहब, ककरोलिया घाटी की तरफ से रेड के लिए जाते हुए ओले। अभिनंदन कमेंट्री बॉक्स में अभिनंदन शर्मा का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आ जाओ। हड़ हड़ क्या निर्णय चाह रहे कहते ना मैं। और ये देखिए साहब,
मेरे को ऐसा लग रहा है कि फिलोड़ा टाइम पास करने लग गई है। अगर ककुल्ला घाटी को कमबैक करना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फिर है डू एंड डाई रेड है ककुल्ला घाटी की तरफ से। और ये देखिए साहब, अंक अर्जित किया साहब, बहुत ही जोरदार एक अंक और अर्जित किया ककुल्ला घाटी ने। अब फिर भी 6 अंकों का फासला। और ये देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैच में उलट फेर होने वाला है बहुत जल्द। अगले 2-3 रेड में देखोगे आप, मैच में काफी उलट फेर होगा। ये देखिए, मैं कह रहा था हाको कह रहा था खीर क्यों हो खीन हो अशान की कह रहा है यार। ये देखो मोत आने कह रहे हो, ये देखो कबड्डी कबड्डी, ये देखो बैठ गया नीचे, मुखे खीर क्यों हो। देखो गोली घट चाल वालो, गोली घट केवल दीपो लगा, दीपो जी के मैंने आउट हो गया, दीपो टाइम आउट। ओहो हो हो हो, क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए साहब, रतन जी अभी हनुमान जी की तरह उड़ान भरेंगे। ये वो देखो, बहुत ही सुंदर खेल का नजारा। ये देखो साहब, एक अंक और अर्जित किया ककरोलिया घाटी ने। अच्छा, राजधानी बेसन का टेक लगा हुआ मुरली जी के, और अपने बहुत ही सुंदर रेड के लिए जाने जाते हैं। और देखो, ये देखो कौन खेल खेल रहा है, मुंह तो गेरू पकड़ने पकड़ो या हाथ ने पकड़े। अंकों का फासला कभी कम कभी ज्यादा, और बहुत ही रोमांचित करने वाला मैच, उलट फेर देखने को मिलेगा। अभी तो 7.5 मिनट का टाइम बाकी है भाई साहब, अभी तो हाफ टाइम बाद भी हाफ टाइम बज रहा है, अभी 7.5 मिनट बच रहे हैं। रेड तो पूरी हो गया तो साहब, हाँ टाइम आउट है साहब। ककुल्ला घाटी तेरे को ककुल्ला घाटी रेड देती हुई बिलवाड़ा के पास 3 डिफेंस। मुरली रेड देते हुए ये आउट नहीं होता, कभी आउट नहीं होता है। बोनस मुरली अपनी टीम के लिए अकेला खेलते हुआ, अकेला बंदा बिलवाड़ा की टीम से खेल रहा है केवल मुरली। टाइम आउट, टाइम
क्यों ना कोर्डी डीएनडी वाउन नो उदयपुर की टीम वन पॉइंट भीलवाड़ा ककरोला घाटी के मेन रेडर ओहो ये जो सीढ़ी लग रही ना टेंट की इसको थोड़ा हटा दे, इस टेंट की सीढ़ी को हटा दो, अभी कुछ खतरा हो सकता है यहाँ पे, इसको हटा दो आप। अगला मैच धनवाड़ा वर्सेज बागुदार। ऐसे चकरी ना बनाए खिलाड़ी को, मुरली टाइम पास करता हुआ बिलवाड़ा की ओर से कैप्टन रेड देता हुआ, ककरोला घाटी की ओर से कैप्टन, ककरोला घाटी की ओर से कैप्टन रेड देता हुआ ब्लू एंड आई रेड। पॉइंट लाना है या फिर मरना है। वन पॉइंट बिलवाड़ा। बोनस पांच चार तीन दो अगला मैच धनवाड़ा वर्सेज बागुदार, लास्ट मैच नहीं है, एक मैच और है। इसे ये जो मैच चल रहा है इसे जो जीतेगा वो पदमपुरा डानी से मैच खेलेगा। टाइम आउट एंड एम्पायर डिसीजन सर्वमान्य। अरे नहीं नहीं, स्पेशल बजने के बाद छोड़ो खिलाड़ी को। ऑल आउट। यहाँ विजेता टीम हो चुकी है। राणा सांगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा राणा सांगा विन।